आशीर्वाद पत्नी। थैंक यू पति देव, आशीर्वाद दो। धोखा दे दिया चलना यार। जिसके लिए वेट कर रहे इतनी देर से नहीं हो रहा। गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। और जैसा कि आपको थोड़ा तो गेटअप दिख ही रहा होगा, तो प्रिपरेशन चालू हो गई है करवा चौथ की। कल करवा चौथ है और अभी 8 बजे हैं, तो खाना वाना हमारा हो गया है। और मैं ये मेहंदी की कोन लाई थी, तो करवा चौथ कोन के बिना तो इट्स लाइक मेहंदी लगाने के बिना तो ऐसा लगता है कि कुछ है ही नहीं, तो मैं ये लेके आई थी। तो मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं। तो इस तरीके की कोन यहाँ पर मिलती है, तो मैं इंडियन स्टोर से लाई। अब मैं आज मेहंदी लगाऊंगी और कल का पूरा दिन आपको बताऊंगी कैसा होने वाला है, हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। बिकॉज ऑफ कोरोना यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो रिस्ट्रिक्ट हो गई हैं, उसके बारे में भी बताऊंगी। पर अभी चलो मेहंदी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट थिंग, मेहंदी तो लगा ली है, आई थिंक अच्छी ही लगी है। तो मैं दीपक को भी यही बता रही थी कि मैं बचपन में बहुत ज़्यादा मेहंदी लगाती थी और इसलिए मैं भूली नहीं हूँ, इसलिए मैंने अच्छे से लगा ली है। चलो गाइज, अब कुछ नहीं, हम लोग तो सो जाएंगे थोड़ी देर में, तो अब अपन कल मिलते हैं और कल देखते हैं चांद यहाँ दिखता है या नहीं, क्योंकि चांद यहाँ पर नहीं दिखता है। हमने बुला। सो गुड मॉर्निंग गाइज, और ये देखो मेहंदी भयंकर रच गई है। तो वो वाली जो कोन है वो आप इंडियन स्टोर से ले सकते हो। और अभी 11 बज गया है, सुबह से मैंने पानी भी नहीं पिया है, नहा लिया है क्योंकि मुझे अभी क्लास जाना है थोड़ी देर में। तो दीपक फ्रूट्स लेने गया है, और सबसे अच्छी बात यह है कि दीपक का भी आज फास्ट है। आई डोंट नो रख पाएगा या नहीं, पर उसका फास्ट है। तो अब गाइज हम लोग मतलब थोड़ी मैं दिया विया लगाऊंगी, पूजा करूंगी और आने के बाद सेलिब्रेट करेंगे। Okay. तैयारी में लगी हुई है क्योंकि थोड़ी देर में मुझे कोचिंग जाना है, और फिर आने के बाद मुझे लगता है 5 बजे के बाद तो इतना हिम्मत नहीं रहेगी कि खाना, तो मैं ये आटे हिम्मत नहीं रहेगी और खाना देख देख कर वैसे ही भूख लगेगी। हाँ, मुझे बना तो, और यहाँ रेस्टोरेंट बंद है नहीं, हम लोग लास्ट टाइम बहुत सही किया था हमने कि हम रेस्टोरेंट चले गए थे खाने, पर अभी सब बंद है तो घर पे ही बनाएंगे पूरी सब्जी, खीर। सब्जी दीपक बनाएगा, ये खीर, पूरी खीर, वाह। दीपक ने भी फास्ट फूड खाएगा ही, जब तक हो सकता है, जब तक जब, हो सकता है। दीपक का, दीपक के में कंडीशन सप्लाई है मेरा है, जब तक है जान। अभी क्यों 12 बजे मैं मतलब ऐसा मेरी सासू माँ और सब लोगों ने बोला था कि पहली बार जैसा करते हो वैसा हमेशा करना चाहिए, तो मैं लगभग 12:30 के करीब हमेशा चाय पीती हूँ और फ्रूट्स खाती हूँ, तो मैं वो करके और फिर जाऊँगी क्लासेस। पर मैं सुबह से चाय नहीं पी तो मेरा सर
होने लगा क्योंकि आदत है ना मुझे सुबह उठते से चाय पीने की आदत है। चाय पर अब तो 12 बजने वाले हैं। हाँ हाँ बस अब बनाऊंगी, ये करके रख देती हूँ क्योंकि इससे ना फूल जाती है पूरी। एंड देन तो गाइस अब हम लोग कब मिलते हैं, आने के बाद है ना, जब रेडी वेडी होंगे तब आके और फिर दीपक की भी शक्ल दिखाएंगे उस टाइम पे, देखते दीपक कर पाता है या नहीं कर पाता। जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आशीर्वाद पत्नी। थैंक यू पति देव, आशीर्वाद। कितना बजे? अभी बजे 5:15। हालत खराब हो रही, बहुत भूख लग। अभी तो टाइम है और आज चांद दिखेगा नहीं, मुझे नहीं लग रहा चांद दिखेगा। चांदनी 8 बजे मम्मी के हिसाब से 8 बजे, अपने यहाँ कितने बजे दिख गया था पता है क्या? अंधेरा होते ही दिख जाता होगा 7:30 बजे तो चांद निकल आता है। देखो दिख रहा होगा उस पे कितना बजे, बताता हूँ 7:30 बजे जितने भी बजे का होगा। मौसम साफ रहता है तो अंधेरा होते ही चांद दिख जाता है, यहाँ तो बहुत जल्दी दिख जाता है, तो आज तो नहीं दिखने वाला। फिर भी कोशिश करेंगे जाके देख के आएंगे। हमने 3 दिन पहले चांद ले लिया था, रिकॉर्ड कर लिया था चांद को, ताकि हम आज देखेंगे। तो अब कुछ नहीं, अब थोड़ी देर में रेडी होंगे, पूजा की तैयारी करेंगे और फिर बहुत टेस्टी खाना बना रहे हैं तो वो खाएंगे। दीपक ने भी कुछ बनाया है, मस्त सब्जी और मेरी एनर्जी हो रही है। डटे रहो, नहीं हो रहा। एक इंसान से भूखे नहीं रह जा रहा तो खा लो ना। नहीं खाऊंगे। गाइज अभी तक का अपडेट ये है कि मैंने मतलब सिर्फ साड़ी नहीं पहनी, बाकी सारी चीज़ें कर ली है, खाने वगैरह की सारी तैयारी कर ली है, खीर बना दी है प्रसाद के लिए और अब दीपक रेडी हो रहा है और उसके बाद फिर हम लोग ऑब्वियसली पूजा करेंगे एंड देन फिर जिसके लिए वेट कर रहे इतनी देर से लाइक खाना खाएंगे और वो चांद अगर नहीं भी होगा तो हमने कुछ पहले से शूट किया था उसे देख के और फिर मैं अपना फास्ट खोलूँगी। तो लेट्स सी। रेडी है और हम बस वेट कर रहे हैं टाइम का, भाई साहब हाँ, एक मिनट बड़ा मुश्किल से निकल रहा है और चांद तो नहीं दिख रहा। हम लोग अभी फिर से चेक करके आए, यहाँ तो चांद नहीं दिख रहा। धोखा दे दिया चांद ने यार, इतना बुरा मौसम हो रहा है ना, मतलब विंटर स्टार्ट हो गई है, क्लाउडी रेन और कहाँ दिखेगा चांद, वो तो पहले से ही होप थी मुझे नहीं दिखेगा। तो फिर हम क्या करेंगे सब भी? कुछ नहीं, वेट करेंगे और क्या करेंगे। और तो हमने टाइम देख लिया, मून राइज का टाइम क्या था यहाँ पर, उस टाइम पे कर लेंगे पूजा। और
आई डोंट नो, आप लोग को भी इतना ही मुश्किल पड़ता है क्या 7 बजे के बाद? जरूर बताना, बट अपने यहाँ क्या होता है ना, लोग इकट्ठे होते हैं तो ज्यादा अच्छे से टाइम माहौल बन जाता है, अच्छा बढ़िया एकदम एटमॉस्फेयर, और सभी एक ही माहौल में होते होंगे तो अच्छा लगता होगा। यहाँ पर अभी अपन दोनों ही अकेले तो थोड़ा मुश्किल होता है। नहीं, हम माहौल जमा देंगे दोनों, कैसे जम तो रहा है। और होपफुली इंडिया में आपका अच्छे से करवा चौथ मतलब सेलिब्रेट कर रहे हैं आप लोग अच्छे से, और एंजॉय कीजिए। हम भी है, बस एनर्जी डाउन है। आज बहुत लग भी रहा होगा, थोड़ी एनर्जी डाउन है, पर खुशी मिल रही है। मतलब इतने टाइम तक किसके लिए फास्ट रख लिया तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब अंदर से अच्छा लग रहा है, और बॉडी जो है वो साथ नहीं दे रही है। तो बस गाइस, अब हम थोड़ी देर में मतलब पूजा वूजा करके फिर उसके बाद जब खाना, मेरे तो नजर बार बार खाने पर जा रही है, तो हम जब खाना बनाएंगे ना तो एक बार फिर से कनेक्ट करेंगे कि आज क्या क्या बनाया है, तो आप देखना। जब तक आप कमेंट करो कि करवा चौथ पे आप लोगों ने क्या किया, कैसा रहा आप लोगों का, ये जरूर बताना क्या खाया क्या खाया। हाँ, ये जरूर बताना, मतलब ज्यादातर लोग पूरी सब्जी और कुछ मैक्सिमम तो सब घरों में पूरी सब्जी खीर बनी होगी प्रॉब्ली। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ये सुनने में कि आप लोगों के घर में क्या क्या बना था आज के दिन, या आपने क्या बनाया या क्या खाया। तो आप लोग कमेंट करना, अभी थोड़ी देर में फिर से मिलते हैं। क्या बन रहा है सुरभि? वाओ चीज़। यहाँ पर मून राइज दिख रहा है 7:15 का। हाँ। तो पत नहीं है, कुछ भी देख लिया बाहर, दिन भर से वैसे भी सूरज नहीं दिखा तो चांद कहाँ से देखेगा। हाँ। अभी 7:30 बज गए हैं, तो अब हम प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं अपना, फिर हम थोड़ी देर के बाद खाना खा लेंगे। आप लोगों को मजा आया होगा हमारा करवा चौथ देख के। वैसे तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं था, पर जर्मनी में ऐसे ही सारे फेस्टिवल्स बनते हैं। और अगर मजा आया तो जरूर नीचे कमेंट करके कमेंट करना क्या अच्छा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और जर्मनी के और भी फेस्टिवल्स देखना चाहते हो तो जरूर आप बताना हम लोगों को। और फेस्टिवल्स तो इंडिया के हैं, पर जर्मनी में हम सेलिब्रेट, हाँ जर्मनी में हम सेलिब्रेट करते हैं तो जरूर बताना। और अब हम लोग खाना खाएंगे, फाइनली खाना खाएंगे। और यहाँ पर अब जो भी है अब खाना तो पड़ेगा, बिकॉज यहाँ चांद दिखने से रहा। लास्ट टाइम 2 साल पहले हमने खूब ट्राई किया था, 10 बजे तक ट्राई किया था, पर चांद नहीं दिखा। फिर सी यू, बाय बाय, और हैप्पी करवा चौथ सभी को। सभी को हैप्पी करवा चौथ, जिनकी शादी नहीं हुई उनको भी। हाँ, और अभी बहुत सारी और भी फेस्टिवल्स आने वाले हैं, तो हम लोग उसके भी ब्लॉग्स बनाएंगे। तो दिवाली आने वाली है, हैप्पी दिवाली इन एडवांस। बाय। ये दीपक ने बनाई है सब्जी, ये मैंने बनाई है।